नेगेटिव से लेकर माइथो प्ले किया, मैं हिस्टोरिकल प्ले कर रही हूँ, तो अभी इतना बड़ा कैरेक्टर है और इतनी जल्दी सिलेक्शन हो गया। जनरली एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं कि आपको ऑडिशन देने पड़ते हैं, मॉक्शन बताया जाता है, देखिए होली तो होते हैं, आपने सारी खुशियाँ ऑलरेडी लेके आ गई मेरी जिंदगी में, एक होली मेरे सेट में बना रही है और एक मिनट में इसको हटा, हाँ करो करो आप, उसको निकालना पड़ेगा, पूरी देते हैं इसकी अनिता की बॉन्डिंग बता रहा है मुझे और मुझे कैरेक्टर समझ में इतनी हेल्प कर रहा है कि बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ पिकअप कर रही हूँ मैं, बहुत जल्दी अच्छे से इस कैरेक्टर को समझ रही हूँ। अपने भाई बहनों के साथ पूरी छत पे होली खेलते थे, एक दूसरे पे गाने रंग उतारते थे, और अभी लेकिन अब मैं बहुत ही सेफ होली खेलती हूँ और कुछ पहले मैं बस ऐसी ही स्थिति में ये त्यौहार ऐसे अच्छा मिला कि फेस का शॉट ये चाहिए 32 का मिल जाए 32 का अच्छा मिला अरे बस ना, एक दो सेकंड का नहीं मिलता, दो सेकंड का पूरा 10 मिनट का नहीं तो क्या निक्की साइड में पीछे ना, तो मेरे आगे चला गया, मेरे फ्रेम में आ रहा है। हमारे मां साहब आपको फाइटर मिलेंगे ना, तब दिखेगा कथा। शॉट्स दिलाना चाह रही थी थोड़ा सा, ऐसे वो ये मिलने जुलने का, मतलब आप लोगों की मदद। हां बोलो ना भाई। हां फोटो आलू क्या कर लूं, कोई चेयर हटा दो यार पीछे से, पीछे से ये उधर गिर लूंगा। रेडी सर, रुक कैमरा, उधर से आओ, उधर से आओ, अभी आप लोग आओ दोनों, दो दो जन आओ, करो तीन तीन चार चार फोटो अलग अलग लेना, डिफरेंस डिफरेंस सर आप आ जाइए बैठिए, दो दो जन आ जाओ। हाँ रुक कैमरा प्लीज, यस रेडी, वेट वेट, आ जाओ आप दोनों जन। हाँ यस रेडी, रुक कैमरा प्लीज, या रेडी मैम, ये वाला, ये वाला डायलॉग एक्सचेंज एक बार आप प्लीज कर दीजिए, विदिशा बहुत अच्छे से बात कर रही है। चलो पूरा ग्रुप आ जाओ, बुखार रहता है तो इस बीमारी का इलाज मेडिकल साइंस में नहीं, तंत्र मंत्र के जरिए आपको बहुत। हाँ
हाँ ये सर अभी सब लोग आ जाओ सर आ जाइए सबके साथ हाँ हाँ सब लोग आ जाओ फॉरन को छोड़ के जगह है तो सर जगह है पूरा थोड़ा स्प्रेड हो सब जगह है पूरा हाँ यार रेडी लुक कैमरा प्लीज यार रेडी हाँ वेट वेट वीडियो चालू सुबह से इंटरव्यूज कर करके आज मैं थक गई हूं अरे कोई बात नहीं है चला दी देखिए वैसे तो इस बीमारी का इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है लेकिन तंत्र मंत्र के जरिए मैं आपकी इस बीमारी का समाधान जरूर करता हूं सीरियसली जी संस्कार नाम का चीज है कि बेसिकली ये डॉक्टर है नहीं ये है तांत्रिक तो डॉक्टर तो ये दुनिया को दिखाने के लिए जब इनका डॉक्टरी इलाज चलता नहीं है ना तो उसके बाद ये भभूत कुछ टोटके मलखान तुम बोल रहे हो कई बार मैंने तुम्हारा इलाज मेडिकल साइंस से नहीं इसी तंत्र मंत्र के जरिए किया है मां साहब मजे आओ डॉक्टर साहब देखो बीमार को साथ में खड़े यहां हर किसी के दो दो रुपए और भाभी जी मेरे पास बहुत पैसा है और आप बहुत तकदीर वाली हो पूछो कैसे कैसे क्योंकि आपको मेरे जैसा देवर मिला है सच में ये तकदीर कैसी अच्छी है बुरी है तो बाद में पता चलेगा लेकिन प्रेम भैया आपका बहुत सारा पैसा खत्म होगा वो भी पता चलेगा गुरफान कर लीजिए कोठा पे सारा लुटा दिया क्योंकि मुझे विभूति जैसा दोस्त भी मिला है कहते हैं ना जैसी संगत वैसी सोहबत लेकिन भाभी जी हमें लगता है कि आपने जो है उस किस्मत के मामले में बड़ा धोखा खाया क्योंकि आपको भगवती जैसा पति मिला है अच्छा कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी ऐसे मत बोलिए ना क्यों भाभी जी ऐसे क्या पर सुरखाब के पर लगे उनमें अरे भाभी जी अब तो यही कहेंगे इन लोगों में संस्कार नाम का चीज ही नहीं है मां साहब तुमने बढ़िया ही संस्कार दी मेरे सामने तो नल्ले के बारे में भड़का रहा है उसको बता देता हूं अभी और उसका खास दोस्त हूं भैया आपसे शिकायत आ रही आपकी कच्छा की क्वालिटी सही ना आ रही ये पहले पूरी बात सुन लो टीका की है ना टीका मुंह दिखाने लायक नहीं था मोहल्ले में अच्छा हम तो चाहते हैं कि हमारा कच्चे का नौड़ा सारे सारे बाजार उसका खुला नहीं था टीका नाक के बाहर निकला कच्चे को नाड़ा बांध रहा तो नाड़ा बढ़िया क्वालिटी का तो जैसे खींचो नाड़ा टूट रहा बहुत अच्छा हुआ लगता है मुझे खुद क्वालिटी चेक करना पड़ेगा इनके सारे प्रोडक्ट्स की जी हमारे अहो भाग्य जब बहुत क्वालिटी बहुत आप हमारी शॉप पर आएंगी वही हमारी बहुत बड़ी बात होगी Okay. Thank you. Thank you. सर हाँ थोड़ा सा सेंटर आओ ना ऑफ सेंटर बस बस लुक यार लुक यार देख ले चलो एक गुस्सा लुक कैमरा लेकिन सर लुक कैमरा एक नॉर्मल आप एक चारों के साथ भी कर लो दो पिक्चर लूंगा सर सॉरी मैम लुक कैमरा अनिल हाँ सर
ले लो अभी सबको, सब प्लीज सब लोग आ जाइए। सर ऑफ क्यों हो गया? चालू नहीं चल रहा सर, लोग ज्यादा है ना मेरी तेरे उसमें लास्ट वाला दोनों 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 लास्ट सबसे राउंड कर लो, तीनों हटा दो लास्ट। चलो 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 पहले पहले कैमरा सर एक ग्रुप कैमरा ले लो, बाद में वीडियो चालू हो जाएगा। अच्छा चलो एक लुक कैमरा लो, कितने और इधर ही कैमरा देख रहा हूं। चलो चलो ओके चलो चलो कांग्रेचुलेशंस। आप गाने चाहे कोई भी गा लीजिए, आप सिर्फ हैप्पी बर्थडे वाला आता है उसके अलावा दूसरा बता दो। टेबल टेबल थोड़ा इधर टेबल और थोड़ा थोड़ा कितना किस तरीके से वेलकम, जिस तरीके से वेलकम किया गया है आपका विदिशा, आप बताइए कितनी वार्म ये फीलिंग है। देखिए राइट नाउ मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ, इतने वेलकमिंग यहाँ पे लोग हैं, कास्ट एंड क्रू मेरे सारे को एक्टर्स जो हैं, शुरू से पहले दिन से इतना अच्छा फील कराया है, इतना कंफर्टेबल फील कराया है कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं पहली बार आके मेरे लिए नया ये सेट है या मैं बहुत पहली बार इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग राइट नाउ। विभूति जी आपका क्या कहना है, कैसी लगी आपको ये भाभी? विदिशा इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, बहुत अच्छा कर रही हैं ये और वी आर हैप्पी टू बी इनके साथ, शी इज ऑन बोर्ड नाउ विद अस एंड आई होप कि ये जैसे पिकअप कर रही हैं वैसे पिकअप करती रहें, और शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड वी आर ऑल वेरी होपफुल कि शी डज वेल फॉर दिस। रोहिताश भी जी आपने सबसे पहले शूट किया था इनके साथ, तो उस दिन से लेके अब तक मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जर्नी आप ही ने देखी है विदिशा की, क्या जी बिल्कुल बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत से काम कर रही हैं और पिछले दो साल मेरे कैरेक्टर के तो बहुत बुरे गुजरे हैं, थोड़ी डावाडोल सी स्थिति रही है, तो अब कहीं जाके लग रहा है कि गाड़ी पटरी पर आ रही है। तो अपनी ही पड़ी हुई है, बताइए विदिशा की बात चल रही है, इनको अपनी पड़ी हुई नहीं, मैं वही आ रहा था, आपने आने नहीं दिया। ओके शिवांगी आप क्या कहेंगी, अंगूरी भाभी की ये पड़ोसन कितनी दिलचस्प है इस? नहीं मैं तो बहुत दिल से स्वागत करती हूँ विदिशा का, और हम तो यही बोलेंगे फेविकॉल के मजबूत जोड़ की तरह चिपक जाइए बस। ये बात सही है, हां थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए और आपने इनको एनकरेज किया और ऐसे एनकरेज करते रहिए। बस मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही ऑडियंस भी मुझे प्यार करे और एक्सेप्ट करे, इतना अच्छा रोल है और मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं अपना 100% दूंगी, बस मैं चाहूँगी कि दर्शकों का प्यार हमें और पूरे भाभी जी घर पर है कि शो को सेट मिलता रहे। थैंक यू, सही बोलिए, पर रटाए तो वैसे रटाए जैसे बराबर बोलिए। चलो थैंक यू थैंक यू, प्लीज गो एंड चिल। Firstly, congratulations for the new role. What do you want to say about the new role? Thank you so much, and of course, I'm very excited and feeling very responsible for this character. This is such a big show, and getting such an opportunity is itself a big thing. So, बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत ही ऐसा लग रहा है कि
ये इंडस्ट्री ने मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, दर्शकों ने मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है जो कि मुझे निभानी है। क्या कुछ फीलिंग थी जब पहली बार आपको पता चला, पहली बार आपको जब कॉल आया तो क्या कुछ पहली फीलिंग थी? जैसा कि मैं बोली, मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फील कर रही हूँ, बहुत ही जल्दबाजी में सब कुछ हो गया, मतलब पता भी नहीं चला, बिफोर आई कुड प्रोसेस इट, ये मुझे पता चल गया कि हाँ मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, और सिर्फ एक ऑडिशन के बेसिस पे सेलेक्ट हो गई। जनरली इस ऐसे चीज़ों के लिए बहुत लंबे लंबे आपको प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ता है, बट इमीडिएटली सिलेक्शन हो गया और इतनी सारी खुशी एक झटके में मिल गई कि कुछ बोल ही नहीं सकती। ओके, सो आपको पास्ट परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ, देर वर सो मेनी डिफरेंट रोल, ये मोहब्बत है, मेरी प्यारी गुड़िया, उसमें अलग रोल था, इसमें अलग रोल है, क्या कुछ डिफरेंस देखते हो? देखिए, एज एन एक्टर मैं बहुत ही फॉर्चुनेट रही हूँ, मैंने मुझे हर सीरियल में अलग अलग कैरेक्टर, बहुत ही अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स, जैसे मैं यह मोहब्बतें में मैं हरियाणवी बोल रही थी, फिर लंडन रिटर्न भी थी, फिर मेरी गुड़िया में आउट एंड आउट नेगेटिव किया है, प्लस उसके बाद मैंने सीता माँ प्ले किया माइथो, और अभी शिव बाई कर रही हूँ मैं काशी बाई में, हिस्टोरिकल के साथ साथ एक ये कॉमेडी जॉनर कर रही हूँ। सो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इतने कम स्पैन ऑफ टाइम में इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलते हैं, और ये कॉमेडी मेरे लिए नया है, मैंने पहले कभी कॉमेडी नहीं किया है, सो मैं मुझे अपने आप को खुद भी एक्सप्लोर करना है इस चीज़ में कि मैं कैसी हूँ कॉमेडी में, बट ऑल आई कैन डू इज टू डू माई बेस्ट। ओके, सो द आफ्टर द प्रोमो गॉट आउट, व्हाट वाज द फर्स्ट रिस्पांस दैट केम आउट? ओह माय गॉड, आई मीन आई वाज सो ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पांस दैट आई हैव बीन गेटिंग, जितने दर्शकों का और इवन सोशल मीडिया पे इतने पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं, इतना अच्छा प्रोमो शूट हुआ था, मतलब ऐसे देख के इन सब ऑडियंस के रिस्पांस देख के और लोगों के रिस्पांस देख के मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं एक्चुअली में ये कैरेक्टर जो बेंचमार्क सेट है, जैसा कि पहले के एक्टर्स ने प्ले किया है, मैं उसको निभा पाऊंगी, क्योंकि लोग बहुत प्यार दे रहे हैं प्रोमो को देखने के बाद। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम योर लीड रोल, देयर आर थ्री लीड रोल्स हु हैव बीन वर्किंग सिंस लॉन्ग टाइम, सो उनके साथ काम करने में कितने ज़्यादा एक्साइटेड? देखिए, वो लोग बहुत सीनियर एक्टर्स हैं, बहुत सालों से, सबसे पहले 7 सालों से यही शो कर रहे हैं, उसके पहले भी बहुत सारे काम किए उन्होंने, तो आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू वर्क विद दीज काइंड ऑफ एक्टर्स एंड सच एक्टर्स, एंड बहुत ही सपोर्टिव हैं ये लोग, शूट पे भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे अनीता के कैरेक्टर समझने में हर एक्टर मुझे हेल्प करता है कि उसके साथ अनीता की बॉन्डिंग कैसी थी, और तो सेट पे भी बहुत ईजी हो जाता है काम करना, और अगर ऐसा माहौल हो तो आपको लगता भी नहीं कि आप नए नए आए हो यहाँ पर और सेट में ऐसे नए नए तरीके से काम कर रहे हो। ओके, सो क्या चैलेंजिंग आप फेस करो इन द स्टार्टिंग फेस, व्हाट चैलेंजिंग यू आर गोइंग टू फेस? देखिए, चैलेंज बस एक ही है मेरे सामने कि मुझे दर्शकों की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है, यही एक चैलेंज है मेरे सामने, बाकी मैं ट्रस्ट मी, मैं कोई प्रेशर नहीं फील कर रही हूँ, बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो अनीता का कैरेक्टर है उसको ज़िंदा रखते हुए मैं उसमें विदिशा का अंदाज डालूं, और जो कि और तब भी ऑडियंस को हंसाती रहूं, और मैं उसी के लिए कोशिश में लगी हूं। जो रोल आप प्ले कर रहे हो, थर्ड रोल है, थर्ड बार चेंज हो चुका है रोल को, सो दैट मेक्स यू इन लाइक डिफरेंट डिफिकल्टी मिस, प्रेशर मिस हो रहा है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं फील कर रही हूँ, ऑफकोर्स हर एक्टर का एक अपना तरीका होता है किसी भी चरित्र को प्ले करने का, तो मेरा अपना एक तरीका है और मैं एक अपने तरीके से अनीता के कैरेक्टर को प्ले करूँगी। ऑफकोर्स मैं कैरेक्टर को ध्यान में रखूँगी अनीता है कैसी, इसलिए मैंने पिछले एपिसोड्स कुछ देखे भी हैं, सौम्या के एपिसोड्स देखे भी हैं, लेकिन आपको एक नए अंदाज में, नए तरीके से, एक नए पैकेज में वही अनीता भाभी दिखेंगी। ओके, तो सौम्या की कैरेक्टर की मैं बात करूँ तो सबसे लवली पार्ट क्या है सौम्या के कैरेक्टर में? सौम्या ने तो इस कैरेक्टर को बनाया है, मतलब उन्होंने जो अनीता भावे को, उन्होंने तो बेंचमार्क सेट कर दिया है, बाकी मतलब अब हमें तो उस बेंचमार्क तक पहुंचना है, ट्राई कर रही हूँ मैं कि हाँ ऑफकोर्स उसने जो उन्होंने जो किया है, मतलब उस चीज़ को मैं मेंटेन रखूँ, और शी हैज़ प्लेड इट वेरी एलिगेंटली, वेरी ब्यूटीफुली शी हैज़ प्लेड दिस अनीताज, शी हैज़ मेड दिस अनीताज कैरेक्टर, तो बस हमें उसको उस चीज़ को बरकरार रखना है। होली आ रही है, क्या कुछ स्पेशल होने वाला होली में? होली पे तो हमने ऑलरेडी सेट पे एक होली बहुत अच्छी मना ली है, बहुत ही मज़े, बहुत ही धमाल करके, और गाने डांस सब कुछ करके हमने होली पे एक सेट पे होली मना ली है, और इस बार की होली मैं घर पे मनाने वाली हूँ अपने, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट शूटिंग शेड्यूल से एक दिन की छुट्टी हो रही है, तो हम घर पे अपनी सोसाइटी में होली मनाएंगे। ओके, सो लास्टली व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू आर लुकिंग फ्रॉम योर रोल?
देखिए मैं तो बहुत ही पॉजिटिव लड़की हूँ और मैं वही मेरी एक्सपेक्टेशंस भी वही है कि लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स जैसा अभी तक मिलता आ रहा है, प्रोमो को देख के जैसा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है बहुत अच्छा लगा वो देख के, और मैं बस यही चाहती हूँ, आई विश एंड आई प्रे कि यही रिस्पॉन्स बना रहे और ऑडियंस को मेरा रोल पसंद आए एज अ अनिता भाभी। थैंक यू सो मच।